ओके स्टूडेंट्स, 6 का क्यूब है हमारे पास, 6 का क्यूब बेटा हमारे पास कैलकुलेट करें, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 216 इज इक्वल। बेटा जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है उन्हें कंबाइन कर लिया जाए, क्यूब माइनस 1 ओवर 125 एक्स का क्यूब माइनस 6 3 जा बेटा क्या आ जाएगा 18। तो बेटा 18 को इस तरफ मूव करवा लें, ये आ जाएगा 16 प्लस 18 इज इक्वल 125 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर 125 एक्स का क्यूब। तो बेटा एक्स का क्यूब आएगा यहाँ पर भी, सो ये देखिएगा 18, तो बेटा इनको ऐड करवा लें, ये आ जाएगा हमारे पास 234 इज इक्वल 125 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर 125 एक्स का क्यूब। सो बेटा ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा किसका, 125 एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर 125 एक्स क्यूब का। सो बेटा आप लोगों ने सिमिलर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो खुद अटेम्प्ट कर लेने हैं। अब बेटा हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 पे जाने से पहले बेटा फॉर्मूलाज का इंट्रोडक्शन लीजिएगा। हमारे पास जो फॉर्मूलाज है, पहले तो हमने बेटा स्टडी किया था होल क्यूब का, लेकिन अब फॉर्मूला आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स माइनस वाई इंटू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब बेटा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सो बेटा देखिए, अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव यहाँ पर। और अगर बेटा हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सेम साइन, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो देखिएगा फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकेंड वाली वैल्यूज का एडिशन एज इट इज बेटा ये मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, फर्स्ट वाली वैल्यूज का स्क्वायर माई प्लस है तो बेटा माइनस आएगा, फिर फर्स्ट वाली मल्टीप्लाई सेकंड वाली वैल्यू, फिर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर। बेटा सिमिलर हमारे पास अबव वाला फॉर्मूला होगा। सो बेटा ये जितने भी फॉर्मूलाज हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 फॉर्मूलाज को स्टडी किया था बेटा, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 से 5 तक बेटा हमने 6 5 तक बेटा एक फॉर्मूला को स्टडी किया था, फिर बेटा हमने 6 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 9 तक है वहाँ पर हमने 2 फॉर्मूला को स्टडी किया था बेटा। आज फिर हमने 2 फॉर्मूलाज को पहले और 2 फॉर्मूलाज को अब। बेटा जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं आपको ये याद होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बेटा ये क्वेश्चन करने के लिए। और क्वेश्चन का बेटा मैथमेटिक्स करने के लिए ना आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेटा जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग ईजीली इसे कैरी कर पाओगे। सो बेटा देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 1। सो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 इसका x³ - y³ - x² - y³ - x + y। सो बेटा देखिएगा यहाँ से ये फर्स्ट 2 टर्म्स को बेटा कंबाइन करवा लिया जाएगा, माइनस वाई क्यूब को क्लोज करवा दे एक ब्रैकेट में, बेटा नेक्स्ट टर्म से माइनस कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। सो बेटा यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करवा दें, क्या आएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बेटा यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का इंक्रीमेंट करेंगे और ये माइनस एक्स माइनस वाई। सो बेटा अब अगर मैं जिस वैल्यूज को अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये क्या आ रही है, दोनों टर्म्स के फर्स्ट टर्म और बेटा ये सेकंड टर्म, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉमन, तो कॉमन कैरी कर लें, एक्स माइनस वाई कॉमन। सो बेटा ये कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या रिमेनिंग वैल्यूज आएगी, यहाँ पे बेटा आ जाएगा एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज। बेटा ये वाली टर्म जो है ये हमने कॉमन कैरी कर ली, तो इसकी रिप्लेसमेंट पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो बेटा देखिएगा हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है, लिखा गया था हमें फैक्टराइज का मतलब क्या होता है बेटा, फैक्टर्स बनाना, फैक्टर्स मीन्स के उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में या डिविजन्स की फॉर्म में लेकर आना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कॉल किया था बेटा कि हमारे पास अगर वैल्यूज आ जाए प्लस या माइनस के सिंबल में, ये क्या कहलाती है बेटा, ये टर्म्स कहलाती है। और अगर बेटा वैल्यूज आ जाए मल्टीप्लीकेशन में या डिविजन की फॉर्म में, ये बेटा क्या कहलाती है, हमारे पास ये फैक्टर्स कहलाते हैं। सो बेटा हमने क्या करना था, ये टर्म्स गिवन थी प्लस माइनस में,
तो बेटा हमने इसको चेंज करना था किसके अंदर, फैक्टर्स के अंदर। सो बेटा ये फैक्टर्स क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट, और ये देखिएगा बेटा ये जो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करती है बेटा, मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं ये। सो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज क्या होनी है बेटा, प्रोडक्ट मीन्स के ये फैक्टर्स आ चुके। सिमिलर बेटा पार्ट नंबर टू है इसका, पार्ट नंबर टू में बेटा आप लोगों ने इस वाले फॉर्मूलाज का यूज करना है, जस्ट आपने फॉर्मूला ओपन करना है, बाकी इंशाल्लाह बेटा आंसर आ जाएगा। सो बेटा अगर यहाँ तक आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर बेटा 9 से 10 से लेकर बेटा क्वेश्चन नंबर 14 तक, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो बेटा आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा उसमें हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। कल बेटा हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।